Good morning, my dear students. Today I am going to start your English grammar chapter 12. Sentence and phrase. इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं. आइए देखते हैं. A sentence is a group of words that gives complete meaning. आपके वाक्य वो होते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग देते हैं. आपके वाक्य शब्दों के समूह होते हैं जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड एंड इन अ फुल स्टॉप. और जब ये सेंटेंस खत्म होते हैं तो लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है. आपके सेंटेंस वाक्यों का समूह होता है यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस देता है. जैसे आपका एग्जांपल है, फर्स्ट है शीना इज अ प्रिटी गर्ल. ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, कुछ भी मिसिंग तो है नहीं. तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ यानी कि ये कुछ बता रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है. शीना इज अ प्रिटी गर्ल. शीना क्या है? एक खूबसूरत लड़की है. इसी तरह सेकंड है आपका दिस इज माई चेयर. यह मेरी चेयर है, यह मेरी कुर्सी है. तो ये सेंटेंस फुल है, कंप्लीट है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और एंड है फुल स्टॉप से. ओके, तो ये आपके सेंटेंस हुए. आपके सेंटेंस क्या होते हैं? शब्दों का समूह होता है सेंटेंस और वो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है. नेक्स्ट आते हैं फ्रेज में. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. फ्रेज आपका शब्दों का फ्रेज भी आपका शब्दों का समूह होता है. दैट मेक सेंस आपके वो शब्दों के समूह जो आपको सेंस यानी कि सेंस समझ में तो आते हैं बट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं यानी कि उनकी मीनिंगफुल फॉर्म सेंटेंस का नहीं होता है. समझ में आएंगे लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते. ये आपके फ्रेज होते हैं. क्या होता है आपका फ्रेज? आपका फ्रेज वाक्यों का समूह, शब्दों का समूह होता है जो कि आपको फुल सेंस तो देता है यानी कि समझ में तो आते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. जैसे आपका एग्जांपल है फर्स्ट ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर. अब बेंच के ऊपर ये समझ में तो आ रहा है, सेंस तो है इस पे लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं. बेंच के ऊपर क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है सेंटेंस में हमें समझ में नहीं आ रहा है. सिर्फ हमें ये पता है कि बेंच के ऊपर, लेकिन बेंच के ऊपर क्या है, कैसे है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है यानी कि ये अधूरा सेंटेंस है जिससे हमें सेंस तो मिल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है. इसी तरह सेकंड है ऑन लीव. लीव पे यानी कि छुट्टी पे. अब छुट्टी पे कौन है, क्या है, कैसे है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सेंस मिल रहा है लेकिन इसकी कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं है. अगर ऑन द बेंच, जिसे ऑन द बेंच आपका लिखा है, अगर इसमें सेंटेंस बनता जस्ट लाइक अ पनिश्ड स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन द बेंच यानी कि जिनको सजा मिली है, जिन बच्चों को, वो बेंच के ऊपर खड़े हैं. तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ बट ऑन द बेंच आपका सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. इसी तरह सेकेंड है ऑन लीव यानी कि छुट्टी पे. अब जैसे ये होता कि सरिता, अवर स्कूल टीचर इज ऑन लीव. हमारा सरिता जो कि हमारे स्कूल की अध्यापिका है, क्या है, छुट्टी पे है. ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ लेकिन ऑन लीव सिर्फ सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. तो ये हमारा फ्रेज है और ये हमारा सेंटेंस है. ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं. आपका सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देता है यानी कि कंप्लीट सेंटेंस देता है जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आते हैं और वो मीनिंगफुल फॉर्म भी होते हैं. जैसे शीना इज प्रिटी गर्ल, शीना सुंदर लड़की है. फिर फ्रेज हमारे शब्दों के समूह होते हैं जिसमें हमें समझ में तो आता है कि वो क्या चीज़ है या वो वर्ड क्या कह रहा है, ये तो समझ में आता है लेकिन वो मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होता है यानी कि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है. जैसे आपका ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर हमें समझ में तो आया लेकिन ऑन द बेंच क्या कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं. अगर इसमें होता पनिश्ड स्टूडेंट आर स्टैंडिंग ऑन द बेंच या कुछ और सेंटेंस होता तो वो कम्प्लीटली हमें समझ में भी आता. ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑल ली छुट्टी पे, ये हमारा कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन हमें सेंस दे रहा है यानी कि समझ में आ रहा है. तो ये हमारे हुए सब्जेक्ट और फ्रेज. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क इन योर बुक.